resources. In the last class we have studied about the meaning of resources. Last class में हमने resources का meaning पढ़ा था कि the systems which satisfy our needs, humans need, they are called resources. जो मनुष्य की need को satisfy या complete करे उसे resources बोला जाता है. Now we shall continue our chapter. This is on page number 125. This is on page number 125 in your book. The need and greed. The need and greed of human beings is increasing day by day. जैसे जैसे मनुष्य की जरूरत और लालच, need means जरूरत, greed means लालच, जैसे जैसे दिनों दिन बढ़ रहा है, and so is nature being exploited to a large consist, large extent. जैसे जैसे मनुष्य की नीड और ग्रीड दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे ही हमारी जो प्रकृति है उसको एक्सप्लोर करते जा रहा है, उसको खत्म करता जा रहा है. The knowledge and creativity of human is boundless, but the danger of greed is damaging the environment. जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, उसकी जो क्रिएटिविटी या जो नए इन्वेंशन है वो बहुत अच्छे है, बट जैसे जैसे उसका ग्रीड नॉलेज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वो प्रकृति को हानि पहुंचाता जा रहा है. The balance of nature is also getting disturbed. जो प्रकृति का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है. Hence, certain alternate ways and means should be considered to preserve and maintain the balance of nature. हमें नेचर का बैलेंस को, नेचर के प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ सॉल्यूशन करने चाहिए. Our next point of value of resources. Value of resources. सबसे पहले अपन वैल्यू, वैल्यू मीन्स महत्व. रिसोर्सेज का क्या महत्व है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. महत्व रिसोर्सेज क्यों जरूरी है? डेवलपमेंट के लिए, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, मनुष्य के डेवलपमेंट के लिए तो रिसोर्सेज क्या है? डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. द वर्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रिसोर्सेज इज नोन एज द वैल्यू ऑफ द सेम. रिसोर्सेज का जो संसाधन का जो महत्व होता है, जो कीमत होती है, उसको उसके महत्व के नाम से जाना जाता है. द वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्स कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक ही रिसोर्स का अलग अलग टाइम पे या अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू होती है, अलग अलग महत्व होता है. जैसे सबसे पहले जो मनुष्य का विकास नहीं हुआ था, तो उसने जो जंगल्स वगैरह थे, आग वगैरह थे, उसको खाली यूज वो अपने सर्दी पकाने के लिए या खाना पकाने के लिए करता था. बट धीरे धीरे उसने आग के अनेक उपाय, आग के अनेक यूजेस सीखे. सबसे पहले मनुष्य का विकास नहीं हुआ था तो पानी वो पीने के लिए यूज में लेता था. बट धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ, वैसे वैसे पानी से उसने इलेक्ट्रिसिटी बनाना सीखा. तो इसी कारण रिसोर्सेज है उसका टाइम टू टाइम, अलग अलग समय पे अलग अलग वैल्यू है. The kind of value may differ from one resource to another. एक resource की value दूसरे resource से अलग हो सकती है. One resource might have economic value. एक resource की economic value means आर्थिक value, economic. वैल्यू कैसी होती है? नेचुरल वैल्यू. वाटरफॉल की वैल्यू कैसी होती है? नेचुरल. बट व्हेन इट इज यूज्ड टू जनरेट
economic. The two main factors that can change any substance, you know, into a resource are time and technology. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सब्सटेंस को किसी भी तत्व को रिसोर्सेस बनाते हैं? फैक्टर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स. फर्स्ट टाइम, सेकंड टेक्नोलॉजी. जैसे जैसे टाइम होता है, जैसे जैसे तकनीकी का विकास होता है, जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता है, वैसे वैसे हम किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं. रिसोर्स को, किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज करने के लिए किसकी जरूरत होती है? टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीक. बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल. ये दोनों किससे रिलेटेड है? नीड्स ऑफ पीपल, लोगों की जरूरत से. जैसे जैसे लोगों को जरूरत पड़ती है वो अपने इन्वेंशन करता रहता है. जैसे सबसे पहले कंप्यूटर की जरूरत पड़ी तो उसने अपने हिसाब से कंप्यूटर बनाया. जैसे 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 समय बीतता, जैसे जैसे और टेक्नोलॉजी विकसित हुई, जैसे जैसे उसको और जरूरत होने लगी, लैपटॉप बनाया, मोबाइल्स बनाए, ठीक वैसे टाइम और टेक्नोलॉजी ये दोनों किससे रिलेटेड है? मनुष्य की जरूरतों से. हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स? जो मनुष्य है, ह्यूमन है, वो खुद एक रिसोर्स है. देयर आइडियाज, उनके विचार, नॉलेज, ज्ञान, डिस्कवरीज, खोज, इन्वेंशन, आविष्कार लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज. उसने, मनुष्य खुद एक रिसोर्सेज है, उसने अपने विचारों से, अपनी खोज से, अपने आविष्कारों से बहुत सारे रिसोर्सेज को जन्म दिया है, बहुत सारे रिसोर्सेज बनाए हैं. सिंस अर्ली डेज वन डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर. पहले के समय का किया हुआ आविष्कार, एक आविष्कार से बहुत सारे आविष्कार हुए. मोर डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू कुकिंग प्रैक्टिस. मनुष्य ने जब आग का आविष्कार किया, सबसे पहले आग का आविष्कार किया था पशुओं को भगाने के लिए, जंगली जानवरों को भगाने के लिए, उसी आग को धीरे धीरे मनुष्य ने खाना पकाने में यूज करना सीखा. इन्वेंशन ऑफ व्हील, वही एक आविष्कार किया था सबसे पहले. रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे पहले मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया था, व्हील. व्हील मीन्स पहिया. उसी पहिए के आविष्कार से आज हमारे जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो भी यातायात के साधन है, उन सब का विकास हुआ. हेंस द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स आर द ह्यूमन बींग्स. इसीलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स कौन सा है? ह्यूमन बींग, मनुष्य. हु हैव आइडियाज, जिसके पास क्या है? आइडियाज, नॉलेज, ज्ञान एंड स्किल विच हैज लेड टू वेरियस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन. आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन, इन सब की वजह से उसने बहुत सारे नए नए रिसोर्सेज बनाए. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. टुमारो वी शैल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ रिसोर्सेज. कल हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं. टुडे वी शैल स्टॉप अवर क्लास. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.